कांग्रेस का 3 दिवसीय महंगाई मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम समाप्त हो गया है। कार्यक्रम के अंतिम दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जनता से एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम के तहत सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह के समय बस अड्डे स्थित रामलीला स्थल पर एकत्र हुए और फिर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा सरकार की ओर से घरेलू गैस, डीजल, पेट्रोल, खाद्य सामग्री और जरूरी निर्माण सामग्री के दामों में भारी इजाफा करने से जनता परेशान है। महंगाई को लेकर जनता में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। 4 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा ने महंगाई को कम करने के बजाय और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में जनता का जीना दूभर हो गया है। कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश में जनता को जागरूक कर रही है, साथ ही भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लामबंद है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशानुसार देश के पूरे जनपदों के मुख्यालयों पे विगत 2 तारीख से महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के दाम बढ़ाए गए हैं और सबसे अधिक जो तेजी दामों को बढ़ाने में जो सरकार ने की है उसमें गैस सिलेंडर, घरेलू गैस हो गया और पेट्रोलियम पदार्थों की निरंतर वृद्धि जो हो रही है, इसके लिए कांग्रेस ने देशव्यापी एक आंदोलन चलाया है। उसी के तहत आज जनपद मुख्यालय में भी कार्यक्रम आज 4 तारीख को जारी है। रुद्रप्रयाग से समय साक्षी के लिए अंकित चंद भट्ट की खास खबर।